तलवाड़ा के सब्जी मंडी चौक पर युवा कांग्रेस की तरफ से सिटी प्रधान अंकित कौशल और सोशल मीडिया प्रधान इंद्रपाल सेठी के नेतृत्व में तलवाड़ा मकेनिया रोड पर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार का पुतला फूंका और किसान विरोधी कृषि विधेयक को वापस लेने की मांग की। उधर हल्का विधायक की डोगरा ने दसूहा में बड़ी गिनती में किसानों के साथ रोष प्रदर्शन किया। हाँ जी प्रधान जी, जो अपना आज पुतला फूंक प्रदर्शन किया है, किस हक दे विच किया? असी यूथ कांग्रेस तलवाड़ा की टीम ने मोदी सरकार वालों किसानों से जिहड़ा काला कानून लागू किया गया उसके विरोध में अभी डट के प्रोटेस्ट किया कि किसान मारू नीति इन्हू वापस लेना पैना। हाँ जी प्रधान जी, आज जो अपना प्रोटेस्ट किया अपना कांग्रेस पार्टी वालों, ये कि समर्थन से किया? अज किसान जथेबंदियों वालों जिहड़ियां 31 किसान जथेबंदियां ने उन्होंने पूरे भारत बंद का ऐलान किया, जिसका समर्थन साडी यूथ कांग्रेस सोशल मीडिया तलवाड़ा वालों भी किया गया। सारे यूथ कांग्रेस वालों मोदी के खिलाफ आदियां नीतियां का पुरजोर विरोध करते हैं अते अपनी इस समर्थन तद तक जारी रखांगे किसानों के हक च जब तक मोदी सरकार ये काला कानून वापस नहीं ले लेंगे। मजदूर मुलाजम व्यापारी एकता जिंदाबाद के बैनर तले सैकलिंग कर रहे हो, इसका की पक्ष है? मेरा नाम जी गुरप्रीत सिंह हीरा, किते वजो मैं सरकारी स्कूल अध्यापक है तो बतौर मैं राइटर भी फ्रीलांसर सारे अखबारों लिखदा। साड़ी इस यात्रा का मकसद हैगा भी जिहड़ा बर्निंग इशू साडे देश चल रहा, खास करके उत्तर भारत जिहड़े अपने मुख अनाज पैदा करने वाले हरियाणा पंजाब खिता हैगा, जिहड़े दो ऑडियंस जारी करे हैं उन्होंने बिल्कुल सिर्फ एट प्रेजेंट तो देख रहा है कि किसानी प्रभावित हो रही है, किसानी छोटा व्यापारी मुलाजम है सारे एक आपस जुड़ी हुई कड़ी है। जे ऑडियंस पास हो गए अनाज की सुरक्षा खत्म हो गई, मिनिमम प्राइस खत्म हो गया तो ऑन दी होल छोटा व्यापारी भी ज्यादा लगेगा, तो जो मजदूर है वह भी किसान मजदूर बन जूगा, मजदूर की हालत वो तो भी बदतर हो जूगी, तो मुलाजम तुम देख लो साढ़े मुलाजम भी लगातार पंजाब भुख हड़ताल से बैठे हैं। सो उस दिशा के असी यह नवेकड़ा उपराला करा कि साइकिल से लोगों को जागृत करिए, टी शर्टा भी सवाइया तो बहुत ही रिस्पोंस मिले, जो असी 150 किलोमीटर की यात्रा करिए थां थे लोगों रोक के सूँ पूछा यही सगा कि असी वध तो वध लोगों को जागृत करके, क्योंकि कहने उन्हें इनकलाब एकदम नहीं आता बूंद बूंद वाले सागर बनता। सो उस कड़ी च असी सफल होए, साडा पहला दिन है, असी 5 दिन की यात्रा करांगे जिसे असी 8-10 जिले पंजाब के कवर करांगे तो वापस असी रोपड़ पहुँचांगे। तो पहला भी असं इदा ही कोई ना कोई उद्देश लैके वातावरण बचाओ, सेहत बचाओ, नौजवानी बचाओ द इशू लैके असी हिमाचल के वक्ो वक्रे शहर तक जा पहला ही पंजाब के वक्ो वक्रे धार्मिक स्थानों तक असी साइकिल यात्रावान ग्रुप साइकिल यात्रावान तो सोलो राइड असी कर चुकी। हाँ जी सत श्री अकाल जी, साड़ी यात्रा अपना शुरू की सी अपना वरिंदर बी ढिल्लों उन्होंने जो पंजाब यूथ कांग्रेस के प्रेजिडेंट ने, तो असी हूँ इतने अपना अंकित भाजी बुलाए जो सिटी कांग्रेस के प्रधान ने तलवाड़े के, तो असी वरिंदर ढिल्लों भाजी के प्रेरणा के सदका ही मतलब कि मैं तो इस यात्रा निकलिया होया तो उन्होंने बड़ा तशद्दुद किया हरियाणा सरकार ने जो कि बहुत ज़्यादा जुल्म किया उन्होंने, तो बट वो भी मतलब कि कहें बहुत शेर दिल इंसान है वो अपनी की कहें अपनी आई तो आया होया वो सारे पंजाब उन्हें वरिंदर ढिल्लों भाजी उन्होंने सारे पंजाब में इंक्लूड करके जिन्हें यूथ हैगा वो सारा उन्होंने मतलब कि एक प्लेटफॉर्म से खड़ा करके वो मोदी सरकार के नक् च दम कर दूगा बंदा है। मैं थोड़ा की कहें दे विश्वास दवा सकता बई सानू सिर्फ ये लोड़ है बई इस चीज़ को हुलारा देने की लोड़ है। जो बब्बू मान कहता भी दिल्ली का झांझर पा के नचूगी पैर च नचना दिल्ली ने ताही है झांझर पा के अगर असं वरिंदर ढिल्लों भाई सारा सुनेहा घर घर पहुँचावे। धन्यवाद जी। एनकाउंटर न्यूज़ तलवाड़ा से ज्योति गौतम की रिपोर्ट।